आज की वीडियो में आपको बताऊंगा जन्नत से आगे ड्रामे के अदाकारों की असल शोहर बीवी के बारे में। ये ड्रामा जियो टीवी पर नशर किया जाएगा। इस ड्रामे में मरकजी किरदार निभाने वाले रमशा खान, गौहर रशीद, कुबरा खान, सबूर अली जैसे अदाकार शामिल हैं। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि इनकी असल ज़िंदगी के बारे में कौन शोहर बीवी हैं तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। चैनल पर नए हैं तो आपसे गुजारिश है कि मलिक एस के यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस करें। सबसे पहले बात करते हैं उभरती हुई नई अदाकारा ऐना आसिफ की। ऐना आसिफ हाल ही में ड्रामा सीरियल बेबी बाजी में सम्मन का किरदार निभाया था और इन्हें बहुत ही पसंद किया गया था वलीद के साथ। अब ड्रामा सीरियल मैरी में बहुत ही अच्छी अदाकारी करते हुए नज़र आ रही है और समर अब्बास के साथ इन्हें बहुत ही पसंद कर रहे हैं। ये अभी तक सिंगल है, इनके और फैमिली ड्रामे शोबे से बिलोंग नहीं करते। अब बात करते हैं सीनियर अदाकारा हिना ख्वाजा की। हिना ख्वाजा भी कामयाब अदाकारा है। हाल ही में ड्रामा सीरियल खुदा और मोहब्बत में बहुत ही अच्छी अदाकारी करते हुए नज़र आई थी। इनकी मैरिड लाइफ की बात करें तो ये असल ज़िंदगी में भी शादीशुदा है। ये अक्सर अपने शौहर के साथ पिक्चर शेयर करते हुए नज़र आती है और इनकी फैमिली को बे इंतहा पसंद भी किया जाता है। अब इनकी फैमिली में इनका एक बेटा और इनकी एक बेटी है। अब बात करते हैं खूबसूरत अदाकारा फैज़ा गिलानी की। फैज़ा गिलानी कामयाब एक्ट्रेस और मॉडल है। हाल ही में ड्रामा सीरियल मीसनी में बहुत ही अच्छी अदाकारी करते हुए नज़र आई थी। इनकी मैरिड लाइफ की बात करें तो ये असल जिंदगी में शादीशुदा है। अपने शौहर के साथ पिक्चर शेयर करते हुए नज़र आती है। अब इनकी फैमिली में इनका एक बेटा और इनकी एक बेटी है। ये अक्सर अपनी फैमिली के साथ पिक्चर शेयर करते हुए नज़र आती है। अब बात करते हैं अदाकारा सबूर अली की। सबूर अली का नाम कामयाब एक्ट्रेस में शामिल होता है। सबूर अली मशहूर अदाकारा सज्जल अली की छोटी बहन है। दोनों बहनों को बे इंतहा पसंद भी किया जाता है। सबूर अली की शादी अदाकार अली अंसारी के साथ 2022 में हुई थी और ये शादी तो ख़त्म होने का नाम भी नहीं ले रही थी। इस शादी के सोशल मीडिया पर काफ़ी चर्चे हुए थे और इन्हें बहुत ही पसंद किया गया था। अब बात करते हैं अदाकार गौहर रशीद की। गौहर रशीद इस ड्रामे में मरकजी किरदार निभाते हुए नज़र आएंगे और गौहर रशीद को पसंद भी किया जाता है। इनकी मैरिड लाइफ की बात करें तो ये अभी तक सिंगल जिंदगी गुजार रही है। इनके बारे में खबरें गर्दिश करती हैं कि इनकी शादी कुबरा खान के साथ होनी है। कुबरा खान के साथ इनका अफेयर चलता है। अब बात करते हैं अदाकारा रमशा खान की। ड्रामा सीरियल किसी पिटी मोहब्बत से शोहरत पाने वाली रमशा खान इस ड्रामे में मरकजी किरदार निभाते हुए नज़र आएगी। इनकी मैरिड लाइफ की बात करें तो रमशा खान अभी तक सिंगल जिंदगी गुजार रही है। इन्होंने अभी तक शादी करने का नहीं सोचा। एक इंटरव्यू में बताया कि अभी मैं अपने काम पर फोकस करना चाहती हूँ। अब बात करते हैं कुबरा खान की। कुबरा खान इस ड्रामे में मरकजी किरदार निभाते हुए नज़र आ रही है और इन्हें बहुत ही पसंद किया जाता है। इनकी मैरिड लाइफ की बात करें तो ये अभी तक सिंगल जिंदगी गुजार रही है। इन्होंने अभी तक शादी करने का नहीं सोचा। इनका जराना गौहर रशीद के साथ चल रहा है। हो सकता है कि इनकी शादी गौहर रशीद से हो जाए। ये थी हमारी आज की वीडियो। इन अदाकारों में आपका पसंदीदा अदाकार कौन है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। चैनल पर नए हैं तो आपसे गुजारिश है मलिक एस के यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस करें, क्योंकि हम सेलेब्रिटी की दुनिया से ऐसी वीडियो शेयर करते हैं जो आप पहले से नहीं जानते होंगे। अल्लाह हाफिज़। दुआ में याद रखें। मिलते हैं नई वीडियो नए टॉपिक के साथ।